सब्सक्राइब करिए मंटू ऑनलाइन चैनल को मोबाइल इंटरनेट ऑनलाइन टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और दबाइए बेल आइकन को। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन से कोई भी ईमेल आईडी कैसे बना सकते हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, कोई भी नया फ़ोन लेके आता है उसके पास ईमेल आईडी नहीं होती है। कई लोगों को तो बनाना आता है और कई लोग बना नहीं पाते हैं। वो दुकान पर जाते हैं, उसको वहाँ पर कुछ पैसे चार्ज लेता है दुकान वाला, या कोई भी अपने कैसे भी चार्ज ले सकता है, कोई 10 रुपये या 20 रुपये कुछ ऐसे करके चार्ज लेता है। तो बस इसी बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन से खुद ईमेल आईडी बना सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप सब कुछ जानते हैं, मोबाइल चलाना आता है आपको, तो आप बहुत ही आसानी से अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बस यही बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मंटू ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल से ईमेल आईडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने कोई भी एक ब्राउज़र में, मैं क्रोम ब्राउज़र में चलता हूँ। चलिए मैंने क्रोम ब्राउज़र खोल लिया और यहाँ पर देखिए गूगल में टाइप करना है हमें www.google.com, क्रोम में टाइप करना है ऊपर में ब्राउज़र फीचर में। तो आपको कुछ इस तरह से ये आइकन खुल के आएगा गूगल का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोने में लिखा है साइन इन। तो फिलहाल मैं इस पर साइन इन पे क्लिक करता हूँ। जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से विंडो खुल के आएगा। यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अगर आपके पास पहले से कोई ईमेल आईडी है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है, तो मेरे पास फ़िलहाल है नहीं, तो मैं यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। चलिए मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, एक तो आ रहा है फॉर माई सेल्फ और टू माई मैनेज बिजनेस, या आप बिज़नेस के लिए बनाना चाहते हैं या आप पर्सनल बनाना चाहते हैं। तो मैं तो पर्सनल के लिए बना रहा हूँ, तो चलिए मैं माई सेल्फ पर क्लिक करूँगा। ये मैंने माई सेल्फ पर क्लिक कर दिया। अब देखिए ये कुछ इस तरह से विंडो खुल के आएगा, यहाँ पर हमें अपना फ़र्स्ट नेम डालना है। चलिए मैं फ़र्स्ट नेम डाल लेता हूँ और यहाँ पे हमें अपना लास्ट नेम डालना है। ये मैं लास्ट नेम डाल लिया और यहाँ पर हमें ईमेल आईडी कैसे रखना है वो डालना है यहाँ पर। तो मैं अपने नाम ही लिख लेता हूँ फ़िलहाल। देखिए ये मैंने डाल लिया। यहाँ पर हमें एक अपना पासवर्ड बना लेना है। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बता रहा है कि ये जो हमने नाम डाला है ईमेल आईडी के लिए, जब हमारा ईमेल आईडी बनेगा वो अभी इसमें अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर हमें कुछ और डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है सीट 57, 54, 5, ये सब अवेलेबल है, फ़िलहाल हमें ये नहीं चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर मैं कुछ और डाल देता हूँ। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर सीत कुमार 20 डाल देता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि अवेलेबल है कि नहीं। ये भी अवेलेबल नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ और डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पर फ़िलहाल डाल देता हूँ सीत कुमार 2003 डाल देता हूँ, फिर देख लेते हैं अवेलेबल है कि नहीं। ये भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भी अवेलेबल होता है वो यहाँ पर हमें बता देता है, ये जो हम लिख रहे हैं पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। फिर से मैं कुछ और ट्राई कर लेता हूँ एक बार, चलिए देख लेता हूँ मैं। अब मैं फिर से ट्राई कर ले, देखिए हाँ ये अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर सीत कुमार 7532 ये अवेलेबल है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन रेड कलर शो नहीं हो रहा है, मतलब ये अवेलेबल है। और यहाँ पर और भी तीन ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें से हमें जो चाहिए वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल लिया। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मैंने क्या पासवर्ड डाला है और यहाँ से हमें हाइड कर देना। फ़िलहाल हमें यहाँ से फिर नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ये सब डालने के बाद अब हमें यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है। तो चलिए मैं फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ।
देखिए यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल लिया और यहाँ से फिर हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करके हमें थोड़ा वेट कर लेना। आप देखिए इस हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, हमें वो OTP डालना है। देखिए ये OTP आ गया, मैं यहाँ पर OTP डाल लेता हूँ। चलिए बस मैं यहाँ से ये OTP कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने ये OTP डाल लिया, अब यहाँ से वेरीफाई कर देता हूँ। देखिए ये मैंने OTP डाले, ये सारा कुछ हो गया। अब यहाँ से हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। चलिए मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ। देखिए यहाँ मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लिया। यहाँ पर हमें अपना जनरल डाल लेना है, वो भी हमने डाल लिया यहाँ पर। और यहाँ पर फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देना। चलिए मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गेट मोर फॉर योर फ़ोन नंबर, यहाँ पर ये सारा कुछ करने के बाद हमें यहाँ से यस आई एम इन पर क्लिक कर देना है। बस यहाँ पर इनकी कुछ टर्म है कंडीशन है, ये हमें पढ़ लेना है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो छोड़ सकते हैं इसको। और यहाँ से हमें एग्री कर देना है। देखिए आपका ईमेल आईडी बनके तैयार है। यहाँ पर देखिए एस का आइकन आ गया, पहले यहाँ पर साइन इन का आइकन आ रहा था। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसे करके तो यहाँ पर देखिए हमारी ईमेल आईडी बनके तैयार है। सीत कुमार, ये देख सकते हैं मेरा नाम आ रहा है। और यहाँ पर देखिए सीत कुमार 7523@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी बन गया। तो आपको बस बड़ी आसानी से आपने देखा कि कैसे हमने मोबाइल से ईमेल आईडी बना लिया। आपको कहीं साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। साइबर कैफ़े वाले 10-20 रुपए लेते हैं, आपको वो देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने मोबाइल से बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।